18 से 25 के जो लड़के हैं वो लफुए हैं, जो किसी ने बोला वो आपके लिए, ये जो हमारी शक्ति दिख रही है आपके लिए लफुए हो सकते हैं लेकिन पवन सिंह के लिए शक्ति है। नौजवान ही हमारे शाहबाद बिहार की शान है, हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है और नौजवान ही हमारे देश की शक्ति है। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, जब चुनाव चलता है ना तो चुनाव में पर्सनल अटैक से लेकर पॉलिटिकल अटैक से लेकर सोशल अटैक्स जो हैं होते नजर आ रहे हैं और अब पवन सिंह पर भी यही अटैक विरोधी यानी कि विपक्षी दल जो है वो करते नजर आए हैं। हालांकि पवन सिंह का एक स्टेज शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं तो पवन सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी ने कहा है कि 18 से जो 25 साल के लड़के हैं वो लफुआ हैं और उन्हीं लफुआओं का सपोर्ट जो है वो पवन सिंह को मिलते नजर आ रहा है। अब पवन सिंह ये मंच से कह रहे हैं लेकिन सवाल ये है कि भैया ये कौन कहा है। तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों ही इशारों में जिस तरीके का वो बयान दे रहे थे उससे ये साफ झलका कि विपक्षी दल ही पवन सिंह पर निशाना साध रहे हैं और अब पवन सिंह इसको हथियार बना लिए हैं। आपको पता होगा कि 18 साल के बाद जो है कोई होता है तो वो वोट डालने के एबल होता है और 18 से 25 साल के जो युवा होते हैं वो काफी तादाद में हैं और इस बयान के बाद पवन सिंह ने युवाओं में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि कोई लोग जो हैं वो आप लोगों को लफुआ कह रहे हैं, 18 से 25 साल वाले जो लोग हैं उनको लफुआ कर रहे हैं लेकिन आप लोग उनके लिए लफुआ होंगे लेकिन आप लोग जो हैं वो मेरे लिए ताकत हैं, मेरे लिए शक्ति हैं और इस शक्ति का प्रयोग चुनाव में इस कदर करिए कि विपक्षी जो हैं वो चिल्लाने लगे। तो कुछ इस तरीके का बयान जब आया तो पवन सिंह ने युवाओं पर अपना दिल जीतने नवा बात कहकर एक नया राजनीतिक खेल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई युवा जब वोट देते हैं तो पवन सिंह का आगे आने वाले समय में जब नतीजा आता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि 18 से 25 साल के जो युवा हैं वो लफुआ हैं, हालांकि वही ही देश नेतृत्व में काम करते हैं पर 18 से 25 साल के जो लड़के होते हैं वो आजकल जो है जो अग्निवीर बना हुआ है उसमें जा रहे हैं, देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। 18 से 25 साल का जो उम्र होता है क्रिटिकल उम्र होता है, इस उम्र में आदमी पढ़ाई करता है, नौकरी भी पाता है और वैसे एज वाले व्यक्तित्व को, ऐसे एज वाले लोगों को अगर कोई लफुआ कह रहा है तो कहीं ना कहीं जो सरकार में उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको भी इस बात को सोचना पड़ेगा। बाकी इसका बदला जो काराकट के युवा हैं वो किस अंदाज में लेंगे इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में।